हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, क्लास सेकंड, पार्ट तीन, मात्राएं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप जानते ही हैं, स्वर मूल रूप से तो लिखे ही जाते हैं, लेकिन जब स्वर व्यंजन में जुड़ता है तो अपना रूप बदल लेता है और मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि त आ ल आ, ताला, ह आ थ ई, हाथी। यहाँ पर जब त में आ जुड़ा तो ता बन गया और ल में आ जुड़ा तो ला बन गया। इसी प्रकार ह में आ जुड़ा तो हा और थ में ई जुड़ा तो थी। स्वरों की इस बदले रूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा। अस्वर को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्रा होती है। आपको पता है जो आ है वो जो स्वर है, इसको छोड़कर सभी स्वरों की क्या होती है? मात्राएं होती है। अ कोई मात्रा नहीं, क म ल कमल, कलश कलश, मटर मटर। नेक्स्ट आ, आ स्वर की मात्रा वर्ण के बाद लगती है। जैसे म आ ल आ माला, त आ ल आ ताला। अंतर समझते हैं। चलिए, त ल तल, ये कौन सी हो गई हमारी जिसमें कोई मात्रा नहीं होती? तो ये अ है, अ स्वर है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। और आ के स्वर में ता आ ल आ ताला, तो ये मात्राएं हैं आ स्वर की। तल गल कल जल नल, ये अ स्वर की और ये आ स्वर की। ताल गाल काल जाल नाल। नेक्स्ट है ई। ई स्वर की मात्रा वर्ण से पहले लगती है। कैसे लगती है? ये जो वर्ण है इससे पहले ई स्वर की मात्रा लगती है। जैसे चिड़िया की ताब। नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई स्वर की मात्रा वर्ण के बाद लगती है। जैसे क ई की मात्रा ल कील, च ई की मात्रा ल चील। आइए अंतर समझते हैं। छोटी ई बड़ी ई, खिल तो इसे पढ़ेंगे कैसे? खिल दिन मिल सिल, और बड़ी में क्या करेंगे हम? मात्राएं खींच देंगे। जैसे खील दीन मील सील। नेक्स्ट उ स्वर की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है, तो ये कौन सा हुआ? छोटा उ। पुल, देखिए सुराही, बड़ा उ। बड़ा उ मीन्स ओके, ऊ स्वर की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे लगती है। जैसे फ ऊ ल फूल, भा ल ऊ भालू, झ ऊ ल झूला। आइए अंतर समझते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ। चुन, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? चुन। सुना कुल बुरा, तो इसे हम जल्दी जल्दी ऐसे उमा पढ़ लेंगे। चुन सुना कुल बुरा। आइए हम बड़े उमे के वर्ण को पढ़ते हैं। चून सुना सुना, कैसे पढ़ेंगे? चून सुना कुल बुरा। नेक्स्ट है र में ऊ, छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे र प्लस ऊ रू, तो ये क्या बन गया? रुपया, रुक, गुरु। ऐसी रा में र प्लस बड़ा ऊ इजिकल टू रू, रूमाल, रूप, रूठना। तो ये ऐसे भी होता है। नेक्स्ट हमारा ऋषि र। ऋषि र स्वर की
मात्रा वर्ण के नीचे लगती है, जैसे म म र ग मृग, न र प नृप, त रण तृण। नेक्स्ट ए, ए स्वर की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे प ए ड पेड़, ज ल ए बी जलेबी। नेक्स्ट हमारा बड़ी ए, स्वर की मात्रा भी वर्ण के ऊपर ही लगती है, जैसे थ डबल ए लगेगी, ला थैला। हमें छोटे स्वर छोटे ए में एक ही मात्रा लगती है और बड़े ए में डबल मात्राएं लगती है। स डबल ए नीक सैनिक। आइए हम इसे इसका अंतर समझते हैं। बेल, ये छोटी ए की मात्रा, ये बड़े ए की मात्रा। बेल शेर, मेल सेल तैराक, बड़े ए की मात्रा। बैल सैर, मैल सैल तैराक। नेक्स्ट हमारा ओ, छोटे ओ स्वर की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, जैसे म ओ र मोर, ढ ओ लग ढोलक, बड़ा ओ। स्वर की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, जैसे प ओ धा पौधा, क ओ आ कौवा। अंतर समझें, छोटे ओ बड़ा ओ। लोटा बोना, लौटा बोना। अन्य चिन्ह अंग, कंगन पंखा तिरंगा अंग, चांद दांत तांगा। तो ये जो अंग है वे दो प्रकार से होते हैं, एक चंद्रबिंदु एक केवल बिंदु में ही लगते हैं। तो ये कंगन हो गया, पंखा तिरंगा अंग में आएगा और चंद्रबिंदु के साथ चांद दांत तांगा। नेक्स्ट हमारा आह, प्रातः नमः दुख। आओ दोहराएं, जब व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग होता है तो स्वरों के स्थान पर उनके चिन्ह जुड़ जाते हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अभ्यास प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है बताइए। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, मात्रा लगती है बताइए। मात्रा किस में लगाई जाती है, व्यंजनों पर। मेज शब्द में किस स्वर की मात्रा लगी है, छोटी ए। नेक्स्ट है वर्ण पर प्रत्येक स्वर की मात्रा लगाकर एक एक शब्द बनाइए। स्वर मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन शब्द। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्वर लिखना है और उस पर मात्रा लगानी है और मात्रा के साथ व्यंजन को जोड़ के यहाँ पे हमें इसे पूरा लिखना है। तो अ में हमारी मात्रा क्या थी, स्वर हमारा आ है, इसमें मात्रा आ है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क आ का, और हमने का से एक शब्द बनाया काजल। ऐसे हम ई से करेंगे, ई मात्रा लगाएंगे, मात्रा च ची बन गया चिड़िया ई। ऐसे हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तब हम क्या लिखेंगे, हम बड़ी की मात्रा से हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे। तो अब आपको ऐसे ही पूरा इसमें फिल करना है मात्राओं के साथ। नेक्स्ट है हमारा स्वर को उसकी मात्रा से मिलाइए। यहाँ पे जो स्वर हैं उनको उसकी मात्राओं से मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आ, आ की मात्रा आपको पता है कौन सी होती है, ये वाली। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही उनको मैच करना है। ई, ई की मात्रा कौन सी होती है, छोटी ई, ये रही। बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, र छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ,
बड़ा ओ, तो आपको ऐसे ऐसे ही फिल करना है। नेक्स्ट हमारा सही मात्रा लगाकर चित्र का पूरा नाम लिखिए। तो अभी क्या करना है, पूरा नाम इसमें फिल करना है। जैसे कि हमें आधा आधा वर्ड दिया है, तो हमें यहाँ पे मात्रा लगानी है और इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शर, आपको दिखाई दे रहा है ये शर तो है नहीं, ये शेर है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, ए की मात्रा, तो ये बन जाएगा हमारा शेर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है घड़, तो आपको दिखाई दे रही है घड़ तो है नहीं, ये है घड़ी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो घड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे हरन, आपको दिखाई दे रही है हरन तो है नहीं, ये क्या है, हिरन है। तो हमें क्या लगाना है, छोटी ई की मात्रा लगानी है और हिरन बनाना है इसे। ऐसे हमारा नेक्स्ट है ये कबूतर, तो यहाँ पे कबूतर तो है नहीं, ये कौन है, ये कबूतर। तो हमें क्या लगाना है, बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है और इसे कबूतर बनाना है।